साथियों, अब टैली में हम उसके एक फीचर बजट के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा कि टैली के शुरुआत के चैप्टर्स में मैंने आपको बजट के थ्रू एक ऑप्शन क्रेडिट लिमिट पढ़ाया था, मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल ऑप्शन की मदद से। आज बजट बनाने की बारी आ गई है। सो मैं नए यूज़र्स को बता रहा हूँ कि बजट्स का ऑप्शन कहाँ से आएगा और कैसे एक्टिवेट करना है। साथियों, F11 में जाएंगे और अकाउंटिंग फीचर में हमने ऑलरेडी एक ऑप्शन मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल एक्टिवेट कर रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रेडिट लिमिट फीचर यूज कर रखी है। तो बजट कंट्रोल तो हम कर चुके हैं, बजट करेंगे, ये यस होना चाहिए। आप भी यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब साथियों, गेटवे ऑफ टैली पर वापस आ गए। अकाउंट इन्फो ऑप्शन पहला है। यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन बजट मिल रहा है, हम इस बजट पर जाएंगे। अब इस बजट पर साथियों हमें बजट क्रिएट करना है, तो हमें अपने बजट का नाम रखना है। अब ये बजट क्या है और कैसे काम करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, हमारी कंपनी एक नया प्रोडक्ट सेल करना चाहती है और उसके लिए वो मार्केटिंग कराएगी, लोगों को अवेयरनेस देगी प्रोग्राम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, वो कंपनी का नाम भी हो सकता है, वो मेरा नाम भी हो सकता है, राजीव मिश्रा हो सकता है, या मैंने मार्केटिंग एक्सपेंस रख दिया, या आप कोई और भी सिर्फ एक्सपेंस ऑनली रख सकते हैं। मैंने मार्केटिंग एक्सपेंस के नाम से बजट क्रिएट करना शुरू किया। अब ये मार्केटिंग एक्सपेंस में हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मार्केटिंग एक्सपेंस होगा वो कितने टाइम तक का होगा। मैं इसको 1 अप्रैल से, वैसे तो अभी हम जनवरी तक की एंट्री कर रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल से कर देता हूँ नए यूजर्स के लिए, 1 अप्रैल 2020 से, और ये अगले 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल, जो भी आप चाहते हैं। मैंने इसको 3 महीने के लिए जुलाई तक सेट कर दिया कि हमारा 3 महीने का बजट होगा। हम इस 3 महीने में देखेंगे कि हमारा मार्केटिंग का एक्सपेंस कितना हो चुका है, क्या हमने डिसाइडेड बजट अमाउंट से ज़्यादा का खर्च कर दिया है या कम खर्च किया है, जिससे हमें एक्चुअल प्लान करने में आसानी होगी। तो साथियों, इसमें आप कौन कौन से ग्रुप्स लेंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस लेंगे, तो इसमें हम साथियों इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया जिसमें सैलरी आ गई, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आ गया, पैम्पलेट पोस्टर के चार्जेस आ गए, टेलीकॉलिंग का खर्च हो गया, जो भी आपका मार्केटिंग में एक्सपेंस होगा वो ले सकते हैं। तो मैंने ग्रुप्स को यस करना है। जैसे मैं इसको यस करूँगा साथियों, एक लेजर हेड पूछने के लिए विंडो ओपन होगी। मैंने वाई प्रेस किया, एंटर। अब ये पूछ रहा है जी लेजर ग्रुप बता दीजिए। तो मेरे पास ग्रुप बहुत सारे हैं, उनमें से एक हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन साथियों, अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे तो उसमें फिर वो कॉस्ट सेंटर भी आपसे पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी में तो कॉस्ट सेंटर ऑन है, तो आपको कॉस्ट सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते तो उस फीचर को हम नो कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस देना है। जैसे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लूँगा, मेरे पास यहाँ पर लेजर हेड्स की लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी। मैंने यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया और इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के साथ में साथियों मैंने कॉस्ट सेंटर लेना है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, एंटर। अब मैंने इसको बताया कि ऑन क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं हम। इस पर क्लोजिंग बैलेंस हमारा बजट का अमाउंट कितना है मार्केटिंग का एक्सपेंस, तो मैं मान के चलता हूँ कि 50,000, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने 50,000 लिया, कम ज़्यादा वो आपके हैंड पर है। अब मैंने इसको एंटर किया, कोई और लेजर हेड तो नहीं लेना, सिर्फ खर्च का लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। अब साथियों, इसके साथ में वो आपसे पूछ रहा है कि लेजर बता दीजिए, मतलब जो एक्सपेंस होंगे उनके नाम बता दीजिए, सैलरी हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो मैंने यस किया।
अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो लेज़र तो क्रिएट नहीं किए हैं, तो साथियों ऑल्ट सी से हम सभी जानते हैं कि नए लेज़र क्रिएट किए जा सकते हैं, तो मैं नए लेज़र ही ले लेता हूँ, पुराने छोड़ देता हूँ। तो ऑल्ट सी, अब मैंने यहाँ पर एक लेज़र लिया, मार्केटिंग टीम स्टाफ सैलरी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केटिंग स्टाफ सैलरी मैंने ले लिया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब साथियों अगर आप कॉस्ट सेंटर नहीं चाहते तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर नो कर देना, वरना वो बार बार आपको इरिटेट करेगा कि कॉस्ट सेंटर बताइए, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी बताइए, तो इसलिए मैं इसको नो कर देता हूँ, मैं अभी नहीं चाहता हूँ, ठीक है साथियों, एक्सेप्ट करा देते। और कोई खर्च मेरा इसमें रहेगा तो उसको भी हमने ऑल्ट सी करके बनाना होता है। फिलहाल मैंने मार्केटिंग स्टाफ सैलरी ले ली, एंटर कराया, कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल ऑन क्लोजिंग बैलेंस, और हम जो सैलरी का खर्च करेंगे वो सिर्फ करेंगे 20,000 का, 20,000 रुपये हम 3 महीने में खर्च करेंगे मार्केटिंग स्टाफ की सैलरी के लिए। आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, मैं इसको 30,000 कर देता हूँ क्योंकि तो खर्च स्टाफ पर ज़्यादा करेंगे। अब दूसरा कोई एक्सपेंस लेना चाहते हैं, हाँ एक एडवर्टीजमेंट का ले लेते हैं, ऑल्ट सी एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट हमने यहाँ पर लिया एक्सपेंस, और वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, साथ साथ हमारा कॉस्ट सेंटर तो हमने ऑलरेडी नो कर दिया है, ठीक है साथियों, वो एक्सेप्ट करा देते हैं। इसका अमाउंट हमें रखना होगा, हमने टोटल बजट 50,000 का रखा है तो हमारा यहाँ पर 20,000 रुपये ये हो जाना चाहिए, टोटल 50,000 रुपये हो गए हमारे, 10,000, 10,000, right, good, टोटल 50,000 हमने करना है। अब वो दो लेज़र में आप कर लीजिए या 200 में कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, कॉस्ट सेंटर हमने लेना नहीं है, तो स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा दीजिए साथियों। अब आप जब भी वाउचर में एंट्री करेंगे, ये वाउचर में एंट्री तो ले लेगा लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देगा कि क्या आप प्रॉफिट में है या लॉस में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पर पीछे आ गए, वाउचर में एंट्री करते हैं, वाउचर में मैंने साथियों पेमेंट कर दी, जो भी एक्सपेंस है उसका नाम ले लेते हैं, मार्केटिंग स्टाफ सैलरी ले लेते हैं। तो अब साथियों मैंने यहाँ पर मार्केटिंग स्टाफ सैलरी लिया और मैंने सैलरी दे दी, डेट तो आप जैसे मैंने बताया कि आप चेंज कर सकते हैं, मैं अभी 1 अप्रैल में एंट्री कर रहा हूँ, आप इसको मई जून जुलाई तक का कर लीजिए। तो मैंने मार्केटिंग स्टाफ को सैलरी जो अभी तक दे दी वो 15,000 की दे दी है, ठीक है, वो मैंने कैश में दे दिया है या चेक से दे दिया वो मैंने एंटर करा दिया। अच्छा, इसके साथ में साथियों मेरा जो एडवर्टीजमेंट का खर्च है वो भी ले लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ले लिया अपना, और ये मेरा ज़्यादा हो गया, 20,000 डिसाइड हुआ था, इसको मैंने एक्स्ट्रा कर दिया चेक से ही या कैश में, जैसा आप चाहें, ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई साथियों। अब बजट देख लेते हैं कि क्या याद तो रहेगा नहीं हमें, एक्चुअल कंपनी में काम करेंगे तो हमें याद नहीं होगा हमने कब कब क्या किया। तो जब बॉस हमसे रिपोर्ट मांगेंगे तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर हम हैं, पीएनएल में गए, और पीएनएल में हम एक शॉर्टकट की ऑल्ट सी का प्रयोग करेंगे, ऑल्ट सी से न्यू कॉलम आएगा ऑल्ट सी। अब ऑल्ट सी में हमारे पास एक छोटी सी डिटेल्ड बॉक्स आ गई है, 1 अप्रैल से लेकर के आप कब तक देखना चाहते हैं, मैंने कहा 1 जुलाई तक क्योंकि हमने 3 महीने बना रखे हैं, करेंसी क्योंकि मैंने 3-4 करेंसी बना दी है इसमें तो रुपीज़ ले लिया। अच्छा, अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में
आप देखेंगे स्पेस बार लेते ही कि आपका जो बजट है उसका नाम यहाँ पर आ रहा है, मार्केटिंग एक्सपेंस, मैंने बजट ये ले लिया। अच्छा, कंपैरिजन करना चाहते हैं, डिटेल में दिखाना चाहते हैं, दिखाइए मत दिखाइए, यस नो कर सकते हैं आप। मैंने इसको यहीं छोड़ करके एंटर किया। अब यहाँ पर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा है, ऑल्ट F1 से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखी जाती है, जैसा हमने डे बुक में भी देखा था। ऑल्ट F1, ये हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, इनमें हम जो भी प्रॉपर एक्सपेंस हैं उनको देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरा आप देखिए यहाँ पर ये जो है 25,000 रुपीज़ हमने एडवर्टीजमेंट में दे दिया, जबकि हमारा बजट 20,000 रुपये का था। एक और बजट है उसमें 15,000 रुपये हमने स्टाफ को सैलरी पे की है, जबकि हम 30,000 रुपये दे सकते थे। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि कितना आप पॉजिटिव में, नेगेटिव में, प्रॉफिट या लॉस में है, कितना एक्स्ट्रा आप कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए साथियों, इतनी लिस्ट में आपको सिर्फ वही राइट साइड में दिखाई देंगे अमाउंट जो कि आपने बजट में डिसाइड कर रखे हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आपको बजट का बेनिफिट मिल जाता है। तो साथियों, बजट बनाने से आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर प्लान करने में कि हमने कितना अमाउंट डिसाइड किया है और कितना अमाउंट हम खर्च कर चुके हैं। टैली सारी एंट्री ले लेगा, रोकेगा नहीं क्रेडिट लिमिट की तरह, लेकिन आपको एक फीचर तो मिली गई यहाँ पर बजट की। तो चैप्टर के असाइनमेंट आप जरूर कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं।